क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऐसी शख्सियत है, कभी ना कभी उनसे प्रेरणा ली है। राकेश जी हैं, लोकेंद्र जी भी हैं, पहले पत्रकार और बाद में नेता, और साथ में जो दो शख्सियत और हैं, बालिंदु सर हैं, खूब सुना है उनको और जिस मिजाज से सुना है वही सुनने की इच्छा रहेगी। और साथ में मोहन सिंह जी हैं। परिचय कराने की किसी से जरूरत नहीं है, लेकिन परिचय थोड़े अलग अंदाज में हो तो ज्यादा मजा आएगा। कांग्रेस कराता हूँ, फिर भाजपा अंदाज में। इधर का सर, भीतर से वार नहीं होना चाहिए, ये उम्मीद है। नाराज भाजपा कही जाती है, एक एक महाराज भाजपा कही जाती है और एक शिवराज भाजपा कही जाती है। कुछ इस तरह की तस्वीर मेरे दाहिनी तरफ नजर आती है। थोड़ा बाईं तरफ चलते हैं सर। एक लंबा अनुभव, एक लंबा अरसा, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, कांग्रेस में पदाधिकारी जरूर बना दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह का मशूरा इस पार्टी को लेना चाहिए, जो जरूरत है, उतनी उपयोगिता कहीं ना कहीं कम नजर आती है ऐसी शख्सियत की। और साथ में राकेश जी हैं सर, आपके संदर्भ में क्या कहना, जो बात सीधी कही जानी चाहिए वो आपके श्रीमुख से हम लोग जरूर सुनते हैं। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है, थोड़ा जोरदार तालियों से सभी साथियों का, सभी मेहमानों का, सभी दिग्गजों का स्वागत कीजिए। शुरुआत सर आपकी तरफ से ही करते हैं। लोकेन जी, तो लगातार पहले आप पत्रकारिता में रहे, उसके बाद पत्रकारों की जिम्मेदारी आप पार्टियों के लिए, पार्टी के लिए संभालते रहे, उसके बाद अचानक आपने रास्ता बदल लिया। ये कहा जाने लगा कि अब जो है आप कुर्सी की दौड़ में शामिल हो गए, कुर्सी की दौड़ मतलब विधानसभा की दौड़ शामिल होने लगे। आपको लगता नहीं कि वतन के साथ साथ ये डगर थोड़ी सी कठिन हो गई, और वो उस सीट के लिए जिस सीट पर कई सारे दिग्गज पहले से दावेदारी कर रहे हैं, आपके वर्तमान के पड़ोसी जो कुर्सी पड़ोसी हैं वो भी, कैसे मतलब आपको लगता है कि ये दावेदारी वास्तव में चर्चा है या वास्तव में ऐसी कोशिश है? सबसे पहले तो मैं INH को धन्यवाद दूंगा कि ग्वालियर में कार्यक्रम किया है। मैं चाहता हूं आज में सब आते हैं, राज भाजपा है इस समय देश में सर। दूसरा, आपने कहा कि पत्रकारिता से राजनीति में कैसे आ गए, ईश्वर है और उसे सब तय करना है, कार करना नहीं, क्या जैसा मार्ग वो दिखाते हैं। पत्रकारिता से प्रथम अंचल के हालात पर खुलकर बात दिग्गजों के साथ, सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, इसी को लेकर INH हरी भूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। मैं समझता हूं कि उसमें जो विषय लिए गए हैं, चाहे वो उद्योग का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास का हो, विकास के अन्य आयामों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह से विकास होना चाहिए और वो विकास कितने दिन में होना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संवाद 2023 कार्यक्रम से ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग वहां लड़ी, कोड़े खाए, जेल में रहे, कौन था वो, एक नाम भी ये राष्ट्रवादिता का जो झंडा लहरा रहे हैं और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, एक भी आदमी था क्या? केवल कांग्रेस पार्टी थी जिसने इतने लंबे समय के बाद आज़ादी प्राप्त की। उसके बाद शनै शनै ये सत्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन आगे किस बात से? आगे इस बात से, अभी नरेंद्र सिंह जी ने उपलब्धि गिनाई, हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आए, सड़क बनवाई, बिजली बनवाई। वैसे बिजली बनवाते समय का आपको शायद याद होगा, श्रीमती
यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि प्रधनु जी खंबे पे चढ़ने से बिजली नहीं आएगी, जी सर, उन्हीं के पार्टी के नेता ने कहा था। आज हमारे प्रद्युम्न सिंह जी तोमर ये कहना भूल गए कि मैं नाली में कूदता हूँ, फावड़े से कीचड़ निकालता हूँ, सार्वजनिक शौचालय का सफाई करता हूँ, सुबह 4 बजे गाड़ी आ जाती है, ट्रेन से आते हैं तो निरीक्षण करने पहुँच जाते हैं। लेकिन हकीकत है क्या? अभी ग्वालियर के लोग सब बैठे हुए, ये ग्वालियर की दशा और दिशा को जानते हैं। जो कुछ भी काम हुए, मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जितने भी काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार कितना हो रहा है? ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। आज एक नहीं, अनेक आदमी किसी भी विभाग में चले जाएं, उनका काम होता नहीं है जब तक कि कोई पर्ची उनके साथ में ना हो। तो आज परेशान क्यों है? आज हमारे साथियों ने कहा पेट्रोल के दाम कहाँ पर हैं, दुनिया जानती है। गैस के दाम कहाँ पर हैं, हर कोई जानता है। हम टेलीविज़न पे देखते हैं कि कोई महिला अपना सामान बना रही है, पहले कहती थी अगर टमाटर की बात पर सामने आ गई, 200 रुपये किलो से ऊपर टमाटर हो गया। सब्जी बनाते थे तो उसमें कटौती करनी पड़ रही, तेल के भाव इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि गृहिणी को घर चलाना आफत का काम हो गया है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इन्हीं के राज में हो रहा है। गड्ढों की बात कही, अभी आप जाके ग्वालियर में देख लो गड्ढे। एक वक्तव्य आया कि बरसात के बाद गड्ढे ठीक किए जाएंगे। बरसात में पहले जो काम होना चाहिए था वो काम या तो हुआ नहीं, या भ्रष्टाचार इतना हुआ कि पहली बारिश में ही गड्ढे फिर से गड्ढे बन गए। तो ये परंपरा चली आ रही है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत जा रही है? जब इतना उत्थान हो रहा है, ये क्या स्वाभाविक नहीं है? अगर मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार रहती तो हम सड़कें नहीं बनवाते, हम और कोई काम नहीं करते। सर बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटेंगे, अंचल से अंचल की बात हो जाए। सर ये जो आपका अंचल है और ख़ासतौर पर ये जो शहर है ग्वालियर की बात करें, इतना ऐतिहासिक शहर, ऐतिहासिक नाम तो है ही, साथ में सियासी नाम भी बड़े बड़े हैं, पूर्व प्रधानमंत्री से लेके तमाम ऐसी बड़ी फहरिस्त है, वर्तमान केंद्रीय मंत्री तक, 2 प्रदेश सरकार के मंत्रियों तक के। जबलपुर से सर कोई मंत्री है नहीं फिलहाल में, भोपाल से एक मंत्री जरूर है लेकिन उनका उतना बड़ा कद है नहीं। ऐसी कौन सी कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच में कमी आती है? देखिए आपने बहुत दीर्घ प्रश्न पूछ लिया है। ग्वालियर निश्चित रूप से ऐतिहासिक शहर है, यहाँ की विरासत है, सियासत में भी विरासत है और वैसे भी विरासत। जी सर, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर हम अमृतकाल तक आ गए, लेकिन हम सामंतवाद की जो हमारे ऊपर एक छाप लगी है, जो एक मानसिकता हमारे अंदर बैठी, उससे मुक्त नहीं हो पाए। कांग्रेस के कार्यकाल में भी और भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की जो किस्तों वाली सरकार है उसमें भी। पिछले विधानसभा चुनाव में एक जुमला चला था, शिवराज बनाम महाराज। कांग्रेस आई सत्ता में, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में 15-16 महीने रहने के बाद ही वही बनाम महाराज इधर आ गए, जिनके खिलाफ बीजेपी ने लड़ाई लड़ी उनको सिर पे बिठा लिया। तो सामंतवाद से मुक्ति इस क्षेत्र को नहीं मिली, इसी वजह से ग्वालियर में विकास की गति बहुत धीमी है। रोपवे जैसा एक छोटे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रोपवे बन गए। तो सनाय सर उसके वो रोपवे के बगल में कोई सा बड़ा बोर्डिंग स्कूल वगैरह ऐसा कुछ है? मैं उन चीजों में जाऊंगा तो बहुत बात बहुत बात तक लेकिन तो दूर तक जाने ही दीजिए ना। निश्चित तौर पर अगर ग्वालियर जैसा पुरा संपदा किसी भी हिस्से में देश के में होती तो यह देश बहुत आगे चला गया होता पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन सामंतवाद है, हर जगह रोड़ा है, चाहे वो स्वर्ण रेखा को बनाने का बात हो, चाहे रोपवे बनाने की बात हो। जिस शहर में सिटी बस नहीं है, जिस ऐतिहासिक शहर में 1904 में रेल चलती थी गली गली में, वहाँ 2023 में सिटी बस नहीं है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रह गई,
ऐसे शहर में सामंतवाद जब तक रहेगा बड़े सारे विकास नहीं होगा। सर, और इन मुद्दों के पीछे जो कहीं ना कहीं कुछ झलक के आ रहा है उसके लिए सर आपके पास आना ही पड़ेगा। सर वो रोपवे की बात तो हो गई लेकिन कहीं ना कहीं एक शब्द में सीमित हो गई, सामंतवाद। सर सुनने में यह है कि जो रोपवे है अगर वहां किनका स्कूल है हम सब जानते हैं, वो स्कूल प्रभावित होगा। सिर्फ इतना नहीं है सर, फ्लाईओवर बनना है सर, ये भी सर सुनने में आया है कि एक तरफ आप रोप वे रोक सकते हैं सिर्फ अपने कुछ प्रतिष्ठानों के कारण, तो दूसरे कहीं निर्माण कर उसके मुआवजे की मांग होती है एक बार के द्वारा, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दिल बड़ा नहीं है क्या? देखिए जिस स्कूल की आप बात करते हैं जी, आदरणीय बालेंद्र शुक्ल जी हमारे यहाँ मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये उसी स्कूल से निकल कर आए हैं और उस स्कूल के निकले हुए लोग इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदलने में बहुत बड़ा अपना योगदान, साधारण स्कूल नहीं, बहुत रूप अद्भुत तो चाहता रोड ग्वालियर की पहचान बदल जाएगी। मेरे ख्याल इंदौर के बाद ग्वालियर पहचान नहीं परिवर्तन आते और एलिवेटेड वो अभी प्रद्युम्न सिंह की जिक्र कर रहे हैं। देखिए आप अंचल के हालात पर खुलकर बात दिग्गजों के साथ, सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, इसी को लेकर आईनिच हरी भूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। मैं समझता हूं कि उसमें जो विषय लिए गए हैं, चाहे वो दुख का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास के अन्य आयामों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह से विकास होना चाहिए और वो विकास कितने दिन में होना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संवाद 2023 कार्यक्रम से ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि बुद्धिजीवी लोग वहाँ एकत्र तो होंगे और दलगत भावना से उठकर कांग्रेस के भी, बीजेपी के, अन्य दल के भी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, जब आपस में संवाद होगा। संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है ये ग्वालियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित
आगे के डेवलपमेंट के लिए और बाकी कोई समस्याएं हैं तो उनके निराकरण के लिए कई बुद्धिजीवी, कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी आपस में बैठेंगे। निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम है, इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे और अपनी बात को रखेंगे और वो आम जन तक पहुंचेंगे। आप कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 18 अगस्त 2023 शुक्रवार शाम 4 बजे से 8 बजे तक। स्थान होटल सेंट्रल पार्क सिटी सेंटर ग्वालियर। अंचल के हालात पर खुलकर बात दिग्गजों के साथ। सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय, इसी को लेकर आईनिच हरी भूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। मैं समझता हूं कि उसमें जो विषय लिए गए हैं, चाहे वो दुख का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विकास का हो, विकास के अन्य आयामों के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह से विकास होना चाहिए और वो विकास कितने दिन में होना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संवाद 2023 कार्यक्रम से ग्वालियर और ग्वालियर चंबल अंचल को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। चूंकि बुद्धिजीवी लोग वहाँ एकत्र होंगे और दलगत भावना से उठकर कांग्रेस के भी, बीजेपी के, अन्य दल के भी लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, जब आपस में संवाद होगा। संवाद कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, ये ग्वालियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित आगे के डेवलपमेंट के लिए पार्टी तो कांग्रेस ही थी, जनसंघ तो था ही नहीं जी, पैदा ही नहीं हुई थी तो कैसे काम करती। बड़ा सामयिक जवाब जी, लेकिन लोग तो थे, जो लोग थे किसमें थे, कांग्रेस में थे, उन्होंने कोई पार्टी अलग नहीं बनाई थी, उनका योगदान भी कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने ना कोड़े खाए ना जेल खाए, कुछ दिक्कत रही उनको। इंदिरा गांधी का नाम लेती नहीं है, भूल गई है वो, जो एक बड़े परिवार का बच्चा जो जन्म हुआ था उस परिवार के साल से ज्यादा जेल में रहा, आप वो नाम बता दीजिए भैया, जो बाद में जनसंघ में आ गए हों या बीजेपी में आ गए हों, उनका क्या योगदान था, उनको पैदा हुए थे। सर आपको बताऊं, मैं लोकेन जी ने आपको चक्कर में डाल दिया। दरअसल बात करना चाह रहे थे हम चंबल के पानी की। आजकल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी आर्ट आ गई है, प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं करना, शहर के मुद्दों पे बात नहीं करना, या तो मोदी जी की बात करना या फिर राष्ट्रीयता की बात करना। आप भूल गए चंबल के पानी की बात सर, वो बात तो वहाँ शुरू हुई थी, उसकी क्या स्थिति है सर, क्यों नहीं आ पा रहा ग्वालियर में? इसका जवाब तो आदरणीय हमारे साथी देंगे, क्योंकि आप दे दीजिए सर, क्योंकि उधर से पूछूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं कुछ इस पर बोलता हूँ बिना। चंबल के पानी को ग्वालियर लाने का सपना 1977 से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही देखा था, माननीय शीतला सागर दुनिया में। और 1986-87 में चंबल का पानी सांकेतिक रूप से ग्वालियर पैदल चलकर कांवरों पर लाद के लाए थे कि इसको आप लाइए, लेकिन तमाम सरकारों ने, कांग्रेस की भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पर सर कुछ तो बता दीजिए। मैं माननीय अचल जी की दो बातों से एकदम सहमत हूँ जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना बनाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 450 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत कर दिए हैं और चंबल का पानी लाने का काम शुरू हो रहा है, एक बात। दूसरा, आपने पहले वक्तव्य में कहा था कि सामंतवाद के कारण ग्वालियर पिछड़ता चला गया, तो मैं इस बात से भी आंशिक रूप से सहमत इसलिए हूँ आपसे कि राजा दिग्विजय सिंह को, उससे पहले अर्जुन सिंह जी को हमेशा ये तकलीफ रहती थी कि यहाँ माधवराव जी सिंधिया का जो सितारा बुलंद है उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, और इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी ग्वालियर के लिए कोई बड़ी योजना नहीं थी। उससे पहले अर्जुन सिंह जी ने कोई बड़ी योजना स्वीकृत होने नहीं दी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का दिल इतना तंग नहीं है जितना कांग्रेस का है।
आज ज्योतिराज सिंधिया जी बीजेपी में, तो ये विषय समाप्त हो रहा है। मैं सिलसिलेवार गिना सकता हूँ, जानकारी है मेरे पास। 500 करोड़ का एयरपोर्ट टर्मिनल, 1500 करोड़ की एलिवेटेड रोड, 1000 बिस्तर का अस्पताल, शंकरपुर में स्टेडियम 120 करोड़ का, मैं तो डाटा लाया हूँ पूरा। रेलवे स्टेशन 535 करोड़ बना, और क्या क्या मैं गिनाऊं साहब। कांग्रेस की सरकार तो 2003 से डकैत पाल रही थी, डकैत 17 लिस्टेड गैंग थी, रीवा से लेकर चंबल तक सबका पालन पोषण कौन कर रहा था अगर सरकार नहीं कर रही थी तो। और सरकार जब इनकी गई उसके बाद डकैत कहां है? एक लिस्टेड गैंग नहीं है, एक लिस्टेड गैंग मध्य प्रदेश में आज की तारीख में। आप लोग अपराधियों को पाल रहे थे, आप लोग नक्सलियों को पाल रहे थे। आपकी हालत यह थी कि नक्सली आपके मंत्री का सिर काट लेते थे और मंत्री का सिर काट ले गए नक्सली, और आप देखते रहे। आपके समय स्थिति यह थी कि कुओं से जो हथियार निकलते थे, कानून व्यवस्था का राज जब होगा अनुराग जी तब विकास होगा। आज कानून व्यवस्था का राज है और विकास की झड़ी लगी है सर। ग्वालियर में झड़ी लगी है, आपको याद है क्या? बेशक मेरे पास इससे लंबी फहरिस्त है शिलान्यासों की, लेकिन मेरा कहना है कि कानून और व्यवस्था की बात माननीय लोकेन जी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी कानून और व्यवस्था की स्थिति है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आदिवासियों के सिर पर मूत्र विसर्जन करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनके पद पखारते हैं, इससे अच्छी कानून व्यवस्था कहाँ हो सकती है? क्या क्या सर एक बार फिर से दोहरा दीजिए, लोकेन जी सुन नहीं पाए। लोकेन जी को सीधी की घटना बहुत सीधे सीधे याद है। चलिए सर सीधी की बात हो गई, लेकिन एक सीधी सीधी बात करते हैं सर। आपने जितने सारे कार्य गिनाए तो नहीं, मुझे जिस याद आया। बात कर रहे हैं वो कमलनाथ जी के समय की घटना है। अरे और उस पे एनएसए लगाया गया है, एनएसए लगाया है, जेल में ठूस दिया गया। सर 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 कुछ कंफ्यूजन हो गया आपको, ये घटना तो अभी अभी की है। उसको मैं चूंकि मैं बार बार ग्वालियर के बाहर में जाने नहीं चाहता सर, मैं ग्वालियर की बात करना चाहता हूँ सर। एक तो मुझे पता चला जब आप लोगों ने इतने सारे कार्य गिनाए उनमें से कुछ के तो शिलान्यासी होने, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो सड़क की है सर, एलिवेटेड। वो सर कहाँ से बनना शुरू हुई, उसकी सबसे बेहतरीन शुरुआत, सबसे उचित जगह कहाँ दिखी आपको? महल के सामने प्रारंभ उसका वहीं हुआ। जहाँ से स्वर्णरेखा जाएगी वहाँ बनेगी स्वर्णरेखा, महल ने तो बनवाई नहीं अभी अभी जी। ये महल को कोसना अनावश्यक रूप से, ये बिल्कुल आप, ये आपका फ्रस्ट्रेशन किसी का हो सकता है, माफ कीजिए सुनिए ना, ये फ्रस्ट्रेशन किसी का हो सकता है। ये वही राज परिवार है ग्वालियर में जो सबसे पहले बिजली लेकर आया ग्वालियर में, ये वही राज परिवार है जो सीवेज सिस्टम लेकर आया, ये वही राज परिवार है जिसने अगले 100 वर्षों की पानी पेयजल की व्यवस्था कैसे होगी, सिंचाई कैसे होगी, उसकी व्यवस्था सबसे पहले की थी। तब कांग्रेस के प्रधान भूल गए, फिर बसपा में चले गए, फिर भाजपा में आ गए, फिर कांग्रेस में चले गए। ऐसे नहीं चलता भैया, मैं उनसे वही प्राण से राष्ट्रवादी रहिए। मैं वही पूछने वाला हूं सर, ये जब आस्था का बदलाव, ये ग्वालियर चंबल में गजब का भाव है सर, कब कौन किस तरफ पहुंच जाए पता नहीं होता, पता चला अगला सेशन करने पहुंचे तो ये दूसरी पार्टी में, ये दूसरी पार्टी में, किसके गले में किसका गमछा होगा इसका भरोसा ही नहीं होता सर। मैं तो परेशान हो गया, कभी शिवपुरी गया वहां पे बड़ी अजीब स्थिति, गुना गया वहां पे बड़ी अजीब स्थिति, पता गुना में तो गजब कर दिया आपने, अदल बदल कर दिए कांग्रेस का भाजपा में, भाजपा का कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, हर तरफ यही स्थिति है। लेकिन इस जादू के बीच में सर एक बात बता दीजिए, फिर बालूंदी जी से भी यही प्रश्न है सर, 2019 के पहले जिनका आप इतने सम्मान से विकास कार्यों में योगदान की बात कर रहे हैं, प्रभात झा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं, लोकेन्द्र पारासर जी उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो सब इतने जल्दी कैसे भूल जाते हैं आप? देखो अनुराग जी, 1980 की भाजपा आप याद करो सर, 18 सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ ना मुद्दे पे जी। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो तमाम समाजवादी मित्र जो जनता पार्टी छोड़ के आए वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित सदस्य बने और आज बड़े सम्मानित नेता हैं पूरे देश के। राष्ट्रवाद उनकी रगों में गया है तो वे भूल गए कि हम कहाँ से आए, वे देश के लिए काम करना है, यही एकमात्र विचार है। और इसलिए एक सतत सरिता है भारतीय जनता पार्टी जो बहती रहती है, उसमें जिसको डुबकी लगाना है लगाए, और डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं वो निश्चित तौर पर एक प्रवाह है, उस प्रवाह में विलीन होते हैं और उसके लिए काम करते हैं। माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं,
भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के विरुद्ध कोई भी विषय न उनके श्रीमुख से निकलता है न उनका आचरण है। भारतीय जनता पार्टी देश चाहती है, देश चाहती है, वैसा बनाने को आप नाराज होते हैं सर, इतना नाराज बताइए देखिए एक बात कही थी मेरे बारे में, उन्होंने कहा था जी कि मेरा पास क्या रहा, मैं कांग्रेस पार्टी में था जी, बहुजन समाज पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी में गया और फिर वापस लौट के कांग्रेस में आ गया, तो इन सबसे ज्यादा विद्वान तो मैं हूँ क्योंकि ये सारे दल भारतीय लोगों के, इसमें कोई विदेशी नहीं है जी सर, जितने भी दल हैं उनमें सब हिंदुस्तान के लोग हैं जी, भारत के लोग हैं, कभी ना कभी राज में रहे, कभी बाहर रहे, कभी अंदर रहे। तो मेरा पार्टी छोड़ना उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारण से था, जिसको मैं भी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तिगत कारण थे। लेकिन कितने सारे व्यक्तिगत कारण होंगे, कांग्रेस बसपा भाजपा हर बार व्यक्तिगत कारण कैसे हो सकते हैं सर? देखिए जब मैं बोलूं तो क्या होता है, सर आप सामने आती है सर, सर जब आप बीच बीच में टोकेंगे माफ कीजिए सर, तो स्थिति बदल जाती सर, सर तो जो मेरे व्यक्तिगत कारण थे वो मेरा मान सम्मान था। नहीं है देशद्रोही हो गए अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, किसी दूसरे दल में चले गए, ये सब हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग की सरकार है यहाँ पर, आज कम्युनिस्ट ये ममता की सरकार है, क्या वो भारतीय नहीं है? अगर मैं दूसरी पार्टी में चला गया और व्यक्तिगत कारण में सबके सामने बोलूँ तो उचित नहीं होगा, लेकिन ये भी सही है कि जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगा, चाहे कोई भी पार्टी। तो आप इस बहुजन समाज पार्टी में गया, वहाँ तमाम अच्छी बातें मैंने सीखी मैंने, लेकिन कई कारणों से मैंने बहुजन समाज पार्टी में रहना उचित नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, और केवल एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने जब मुझे बुलाया तो मुझसे पूछा कि शुक्ला जी आप क्या चाहते हो, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो, मैंने आप दे क्या सकते हो, तो शिवराज सिंह जी ने कहा मैं आपको मान सम्मान स्थान ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और ये सब शिवराज सिंह जी ने किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन फिर हुआ क्या, वही भारतीय जनता पार्टी समय आते आते जब शिवराज सिंह की कुर्सी चली गई, कुर्सी वापस लाने के लिए, उसमें कोई राष्ट्र की बात नहीं थी, देश का सम्मान कुछ नहीं बढ़ना था, उनकी कुर्सी चली गई, उनको कुर्सी चाहिए थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.25 लाख से हार गए, सम्मान घट गया उनका, वो पार्टी जो कभी भी कोई चुनाव नहीं हारी वो अपने घर से हार गई, 1.25 लाख वोट से हार गई, उनको सम्मान चाहिए था, तो दोनों की जोड़ी बन गई, दोनों ने कहा कि तुम यहाँ से वहाँ ले आओ, हमारा सम्मान हो जाएगा, तुमको भी सम्मान हम देंगे। प्रद्युम्न सिंह जी तोमर ने भी कहा चलेगा यहाँ से, उन्होंने खुद जब कांग्रेस पार्टी के अंदर थे तब उन्होंने मंच से कहा था कि मेरे पास 35 करोड़ का ऑफर आया है कि मैं पार्टी बदल लूँ, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। और फिर हुआ क्या, हमने तो देखा नहीं, नहीं रुपए आए नहीं आए, लेकिन ग्वालियर की जनता को मालूम है कि रुपए लिए दिए गए और इसलिए लोग गए वहां पर, और ये सत्य है ये, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 1 सेकंड और मैं करूँ फिर बोलना। फिर क्या हुआ कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी जब मेरे सिर पे आके वही बैठ गए, क्योंकि वो तो ग्वालियर के ही, तो क्या होता, भारतीय जनता पार्टी वो करती जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहता था, ये कहने कोई शर्त नहीं थी, सबको मालूम है ग्वाली में कि शर्त क्या क्या थी, मुझे राज्यसभा का हार गए उनको चप्पल दिया जाए, सब बातें भारतीय पार्टी ने मानी। ये क्या सर, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, सिंधिया जी ने एक ट्वीट किया था जाने के ठीक पहले, उसूलों पे जब आ चाहे तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे तो नहीं का, लेकिन क्यों वो हारे थे सर, आरोप है ना? नहीं मैं कि वो हारे थे, उनके सम्मान को ठेस हारने से हुई थी, किसी व्यक्ति ने पार्टी ने उनका सम्मान कम नहीं किया था, वो 1.25 लाख से हारे थे इसलिए उनका सम्मान था। शिवराज सिंह
खुश नहीं है, आप जाकर पता कर लीजिए आप कहाँ चाहते कि जो पार्टी बदली सर। ये कोशिश करूंगा कि मतलब कहाँ या किसी नहीं लगता पार्टी बदलता है और उसके बाद में सब बोलते हैं कि हाँ सही दूसरा गलत था। देखिए बंधु, अब राजनीति में एथिक्स नाम की चिड़िया कभी की मर चुकी है। सीधा सीधा सौदा सवाल है, जैसा कि अभी माननीय बाजी जी ने सौदे होते रहते हैं और जब प्रेम से अपना घोष आप ताजा ताजा उदाहरण है, बाकी लोग तो पुराने हैं। क्या सर वो सौदा कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए सर। देखिए दरअसल क्या है, बड़े भाई बालिश शुक्ला जी ने कहा सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है, तो अगर सिर्फ पार्टी बदलने का अर्थ अगर पैसे से है तो पहले भाई साहब को निश्चित करना पड़े आदमी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत संबंधों होते हैं जिस वजह से लेना पड़ता है। जितने बात है आप तो जो तो जो तस्वीर है वो है, फिर जीते सामंत बात करते थे आप और बात करते हैं। मैं कहता हूं ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल संभाग में आज तक देख लीजिए से लेके और सारे जो विकास के काम है वो मिलेंगे और आज भी इस ग्वालियर के लिए जिसके द्वारा इंडिया राज परिवार है आज जब कांग्रेस आज अगर उन्होंने किसी बात को विकास के लिए रखा है तो आप मानिए कि भारतीय जनता दिया है और उसी रास्ते पर चलकर ये ग्वालियर अंचल पूरा का पूरा अगले आने वाले समय में 2030 चल ये बिल्कुल पहले से सरकार ने काम शुरू किया विकास किया तो सिंधिया परिवार ने किया ग्वालियर का, अटल जी कुछ नहीं कर पाए, सांसद जी कुछ नहीं कर पाए था तो ग्वालियर के राज परिवार ने ऐसे काम किए हैं जो अनूठे थे, आज भी जनता के काम आ रहे हैं। ये विषय इस प्रकार से है, लेकिन आजाद भारत में ऐसा नहीं, तरवार जाने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब 12 मिनट लगते हैं। ये परिवर्तन ग्वालियर में आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इस समय एक अपील और करना चाहता हूँ, माननीय बाल सिंधु भाई साहब बहुत बुजुर्ग नेता है हमारे, बहुत सम्मानीय परिवार के, आपको हमने किसी ने भी देशद्रोही नहीं कहा, आपके मन में विचार आया क्यों? ये विचार आप मत लाया करो। और दूसरा आपने कहा कि सॉरी भाई साहब, आप दिग्विजय अभी भी कुछ भी बोल दो, आप ये भी मत किया करो, आपका बहुत आदर है, आपका बहुत आदर करते हैं हम लोग, इतना ही कहना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं भाजपा छोड़ गया तो देशद्रोही हो गया, किसी ने नहीं कहा आपसे देशद्रोही, देश के प्रति आपकी बड़ी जिम्मेदारी, आपको किसी ने नहीं कहा, अनुराग जी ने भी नहीं कहा, हमने 3 लोगों ने भी कहा।
ने जो आरोप लगाया, आर्थिक आरोप लगाया सिंधिया जी पर, मुझे लगता है कि आप दिग्विजय सिंह नहीं हैं। ये काम दिग्विजय सिंह मतलब छोड़ रखा है। आपका कहना है कि आप तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, शानदार व्यक्ति हैं, और शानदार थी सिंधिया जी पे आरोप लगा के दिग्विजय सिंह आरोप लगा सकते। देखिए सिंधिया जी अब जैसे अभी बात कही, जब मोहन सिंह जी ने बात कही, देखिए ये बात सही है कि जब सिंधिया परिवार था, जब राजशाही थी, तो उस जमाने में सिंधिया परिवार ने बहुत कुछ अपने राज्य में किया जो अन्य राजा महाराजाओं ने नहीं किया, और विकास के तमाम वो काम किए जो सिंधिया परिवार ने किए। अब आज की तारीख में वो परिवार थोड़ा छिन्न भिन्न हुआ, जो कांग्रेस चली गई, उनकी दोनों लड़कियां आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, अच्छे पदों पर हैं। तो सिंधिया परिवार के संग जैसा आपने कहा, हालांकि ये नाम मैंने तो नहीं दिया, पता नहीं किसने दिया, तो मैं बात से कहा था, अब सिंधिया चले गए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन अगर मैं बाल सका था तो मैं सिंधिया परिवार के अंदर वो बताता हूँ, लड़के को पता है, लेकिन वो बातें मैं कहना नहीं चाहता सर। चलिए आखिरी दो कमेंट्स हैं दोनों मेहमानों के साथ। सर ये बहुत सारे लोग चले गए सिंधिया के साथ छोड़ के, अभी देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से तो बिल्कुल मतलब कतार सी लग गई है सर। अब चूंकि बात जब भीतर वार की आएगी, थोड़ा प्यार लग जाएगा, तो आप भी ऐसा ही तो नहीं कर देंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अब हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में विचार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और भविष्य में खासकर आप जो हमसे बात कर रहे हैं उस प्रश्न का जवाब आपको सदैव सकारात्मक मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अब किया है, ये जो अखंड भारत का सपना पूरा किया है, इस सपने के साथ हमने काम किया है, राम मंदिर पे जो काम किया है उस सपने के साथ काम किया है, और जो विकास की नई धारा बहाई है उसके साथ हम लोग खड़े हैं। तो आप निश्चित मानिए कि अब भारतीय जनता पार्टी कण कण में व्याप्त होकर हम इस काम को करें। अंचल जी आखिरी कमेंट, इतने सारे दावे प्रति दावे और इतनी सारी भाजपा और इतनी सारी कांग्रेस से भाजपा से कांग्रेस, इन सबके बीच में आपको क्या उम्मीद है? आपने बोल तो दिया तो बच्चे नहीं, आपको लग रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट सिन्हा के इसके बाद ग्वालियर की तस्वीर कब तक बदल जाएगी? ग्वालियर की तस्वीर बदलनी चाहिए कोई भी सरकार हो। अब मान लीजिए कि इस सरकार में जो योजनाएं शुरू हुई हैं और ये सरकार खुदा ना खास्ता न रही, वैसे तो तीसरे टर्म की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री ने की है, तो मुख्यमंत्री भी तैयार ही होंगे अगले टर्म के लिए, मान लीजिए न रही तो भी ये योजनाएं अमल में आए, तभी इस ग्वालियर का कल्याण हो पाएगा। अनुराग जी चलिए बेहद ईमानदारी की बात है, काफ़ी सारे प्रयास हैं, ये प्रयास सुप्रयास हो, सिर्फ नारियल फोड़ने तक ना हो, यानी शिलान्यास तक ना हो, विकास की तर्ज पे विकास हो, हकीकत में विकास हो, जमीन पे विकास हो। जिस स्वर्ण रेखा को एक लंबा इंतजार हो गया, वो स्वर्ण रेखा इस तरह की स्वर्णिम रेखा हो जाए कि वो विकास की एक स्वर्णिम कहानी लिख पाए, ग्वालियर की तस्वीर कुछ ऐसी ही हो जाए, इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को हम कहीं ना कहीं विराम देते हैं अगले सेशन की तैयारी के साथ में। धन्यवाद लोकेन जी, धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद बालेंदु सर, धन्यवाद राकेश सर, आप सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर ओवर टू सोना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और जैसे कि हमारी परंपरा है इस कार्यक्रम की कि हमारे जो अतिथि हैं, जो कि हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, साझा कर रहे हैं, INH और हरिभूमि परिवार को दे रहे हैं, उनको स्मृति चिन्ह के जरिए इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल के साथ मैं सम्मानित करना चाहूँगी। और इसके लिए मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं, साथ ही साथ मैं ग्वालियर चंबल ब्यूरो चीफ जावेद खान जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं, और जो हमारे सम्मानीय अतिथिगण हैं उनका अभिवादन और स्वागत शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह के जरिए करें। साथ ही साथ मैं शिवम आर्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पर आ जाएं, हमारे ग्वालियर संवाददाता, और तमाम अतिथियों का स्वागत हरिभूमि परिवार कर रहा है। और संवाद के इस कार्यक्रम में यदि कोई सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है तो वो है ग्वालियर की जनता, क्योंकि इतनी धैर्यता के साथ आप हमें सुन रहे हैं, अपने वक्त को आपने दिया है, महत्वपूर्ण वक्त को। बाहर मौसम बदला है और 2023 में भी बदलेगा, उसका आभास जानने की कोशिश INH 24/7 हरिभूमि परिवार कर रहा है। और इसी क्रम में अब अगले सेशन की बारी है, तालियों के लिए गड़गड़ाहट। ऊर्जा मंत्री जी यहाँ से है, उसके बावजूद भी तालियों के संबंध में ऊर्जा इतनी कम कैसे ग्वालियर वासियों में, ये विषय है। और वो उतनी ऊर्जा से ग्वालियर की जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से अब उसे अपने प्रतिनिधि को चुनने का मौका मिल रहा है।
और फिर से एक बार ये बताने का मौका मिल रहा है कि जनता से बड़ा कोई नहीं है।